गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड सो इन द लास्ट क्लास वी डू माई प्रैक्टिस एम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ चैप्टर सेवन सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर प्रैक्टिस एम थर्ड सो बिफोर स्टार्टिंग आर प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम शेप्स एंड लाइन्स सो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्या आपका स्ट्रेट लाइन अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन डे डज नॉट हैव अ बैंड अभी स्ट्रेट लाइन हम किसे कहेंगे जो कि डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कोई भी बैंड नहीं होता है स्ट्रेट लाइन कैन भी हॉरीजोंटल वर्टिकल और स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है हॉरीजेंटल भी हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है एंड स्लेंटेड भी हो सकती है अ स्लिपिंग लाइन इज अ हॉरिजेंटल लाइन जो स्लिपिंग लाइन होगी वो क्या होगी बेटा हॉरीजोंटल लाइन होगी अ स्टैंडिंग लाइन इज़ अ वर्टिकल लाइन और जो ये स्टैंडिंग मीन्स खड़ी है उसको हम और क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन अ स्लांड लाइन इज एन ऑब्लिक लाइन एंड जो स्लैंडिंग लाइन्स होती है हमारी ऐसी वाली उसको हम और क्या बोलते हैं ऑब्लिक लाइन अभी क्या आपका नेक्स्ट कर्व लाइन अ लाइन विच इज़ नॉट स्ट्रेट इज अ कर्व लाइन अभी हम कर्व लाइन किसको बोलते हैं जो स्ट्रेट नहीं होती लाइक देखो यहाँ पे ये कुछ भी स्ट्रेट लाइन है नहीं है बिल्कुल भी ये जैसे गोल गोल घूमरे इनमें बैंड है टेढ़ी है तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा कर्ड लाइन प्लेन सेप्स अभी आपका क्या है प्लेन सेप प्लेन फिगर्स आर टू डायमेंशनल सेप्स डैट इज दे आर ड्रॉ ऑन फ्लेट सर्फेस अभी क्या बोल रहा है प्लेन शेप क्या होता है बेटा टू डायमेंशनल शेप होते हैं जो किस पे ड्रॉ होता है फ्लैट सर्फेस पे देव लेंथ एंड ब्रिथ ऑल योर उनकी क्या होती है लेंथ होती है एंड ब्रिथ सम एग्जाम्पल ऑफ प्लान शेप्स आर ट्राइंगल रेक्टेंगल्स स्क्वायर एंड सर्कल्स अभी आप सब ने शेप्स के बारे में तो पढ़ा ही है तो जो हमारे ट्राइंगल होता है रेक्टेंगल स्क्वायर एंड सर्कल वो कौन से शेप होते हैं बेटा प्लेन शेप्स दे हैव साइड्स एंड कॉर्नर एक्सेप्ट फॉर द सर्कल इनके क्या होता है बेटा साइड्स होती है और कॉर्नर्स होते हैं इसमें से आप किसको छोड़ सकते हो एक सर्कल को जिसकी कोई भी साइड और कॉर्नर नहीं होते बाकी सब के शेप्स के क्या होते हैं होती है साइड एंड कॉर्नर होते हैं अ कॉर्नर इज़ द पॉइंट वे यर टू साइड्स मीट अभी कॉर्नर हम किसको बोलेंगे अभी आपको साइड से पता है कि साइड्स होती है अभी कॉर्नर क्या होते हैं जहाँ पर टू पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा कॉर्नर सो so, अगर पहला शेप है ट्राइंगल अभी हम किसके बारे में रीड करेंगे ट्राइंगल के बारे में अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर ट्राइंगल की कितने साइड्स होती है थ्री ही साइड्स होती है और कितने कॉर्नर्स होते हैं थ्री कॉर्नर्स होते हैं पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल अभी यहाँ आपको देखो पिक्चर दे रखी है ट्राइंगल की जिसमें से ये ए बी सी ये क्या हो गया बेटा कॉर्नर यहाँ पे टू पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ से लेकिन यहाँ तक यहाँ मिल रहा है एक यहाँ यहाँ तो ये क्या हो गया थ्री कॉर्नर्स हो गए एंड जो हमारी ए बी बी सी और ए सी ये हमारी क्या होगी बेटा इसकी ट्रैंगल की साइड्स हो गई नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती, हो होती है फोर ही साइड होती है एंड कॉर्नर्स कितने फोर ही कॉर्नर होते हैं ए बी सी एंड डी आर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी बी सी सी डी एंड डी आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल अभी देखो यहाँ पे आपको किसके पीछे दे रखी है रेक्टेंगल की तो जो ये ए बी डी एंड सी ये तो क्या होगा बेटा जहाँ पे चार पॉइंट है ये क्या हो गए इसके कॉर्नर एंड ए डी ए बी बी सी एंड सी डी ये क्या होगी इसकी साइड्स होगी द अपोजिट साइड्स ऑफ रैक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ एंड जो इसकी अपोजिट साइड होती है लाइक ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या होगी इक्वल होगी एंड ए डी एंड बी सी इन दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा इक्वल होगी नेक्स्ट है आपका स्क्वायर ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ ए बी सी डी एंड फोर कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे भी आपको किसके पिक्चर देखिए दे रखी है बेटा स्क्वायर की तो स्क्वायर की जो ये फोर साइड्स होती है वन टू थ्री फोर इन सबकी लेंथ कैसी होती है तो बेटा इक्वल होती है ये सारी मेजरमेंट सेम होगी इनकी एंड जो इसके भी कॉर्नर क्या होगा ए बी सी डी ये तो क्या हो गया इसके कॉर्नर हो गए ए बी बी सी सी डी एंड ए डी या डी ए ये इसकी क्या हो गई साइड्स हो गई तो फोर साइड कितनी साइड हुई इसकी फोर साइड हुई एंड फोर कॉर्नर हुए एंड फोर साइड का मेजरमेंट क्या हो गया बेटा सेम ही होता है स्क्वायर में नेक्स्ट है आपका सर्कल आ सर्कल है नैदर आ साइड नौरा कॉर्नर अभी यहाँ आप किसी पीछे देखिए सर्कल की सर्कल ऐसा राउंड होता है इसकी कोई भी साइड नहीं होती कोई भी कॉर्नर नहीं होता है ये किसके शेप में है राउंड शेप में नेक्स्ट है आपका रेडियस सर्कम एंड डायमीटर अभी आप सर्कल के बारे में पढ़ोगे तो आपको रेडियस सर्कम्फ्रेंस एंड डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए द लाइन विच मेस द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इड्स जो लाइन इसकी बाउंड्री बनाती है सर्कल के चारों तरफ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सर्क्यूम लाइक ये ये जो पूरी बाउंड्री इसको हम क्या बोलेंगे सर्कम फ्रेंथ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल जो लाइन जो हमारी सेंटर है इसको कोई भी लाइन ये ज्वाइन करती है इसके सर्कल मतलब बाउंड्री को ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा रेडियस तो यहाँ पे ये क्या इसकी? है इसकी रेडियस है द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्क्यूम फ्रेंड्स एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल जो लाइन टू पॉइंट्स लाइक इन टू पॉइंट्स को मिला रही है और जो कहाँ से निकल के जा रही है रेडियस के अंदर से निकल के जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा डायमीटर ऑफ द सर्कल और ये जो मेन हो गया ये इसका क्या हो गया बेटा सेंटर सो अभी हम स्टार्ट करेंगे माई प्रैक्टिस टाइम थ्री राइट द नंबर्स ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द गिवन फिगर्स आपको यहाँ फिगर्स दे रखे हैं इनकी आपको साइड्स बतानी और कॉर्नर्स बताने सो अभी आप काउंट करो यहाँ वन टू थ्री यहाँ देखो ये हो गया वन ए बी सी डी तो ये यहाँ कितने कॉर्नर हो बेटा फोर कॉर्नर है साइड कितनी होगी ए बी बी डी सी डी एंड ए सी तो फोर ही साइड हो गए इसकी फोर ही कॉर्नर हो गए अभी इसमें देखो यहाँ हो गया वन टू थ्री फोर फाइव कितनी साइड हुई फाइव साइड हुई एंड कॉर्नर भी कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जितनी साइड हो रही है उतना ही कॉर्नर होगा यहाँ देखो आप कितने साइड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ कितनी हुई सेवन साइड एंड सेवन कॉर्नर यहाँ देखो अभी आप नेक्स्ट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व तो कितनी साइड्स होगी बेटा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व ही कॉर्नर होंगे ना क्योंकि जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है मींस डेट मींस वो क्या है उसका कॉर्नर है नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितनी होगी टेन साइड एंड टेन कॉर्नर यहाँ अभी देखो कितनी होगी यहाँ से आप काउंट करो वन टू थ्री ये हो गया पूरा फोर फिर ये हो गया फाइव सिक्स सेवन एट कितनी होगी एट साइड एंड एट कॉर्नर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नेम द ऑब्जेक्ट्स डेट क्लोजली रिजेंबल दीज सेप्स आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको इनको देख के कौन से सेप्स याद आ रही हैं लाइक like. अब यहाँ पे किसकी पिक्चर दे रखी है आपको सर्कल की एंड सर्कल को देख के आपको कौन सर्कल जो शेप है उसको देख के आपको क्या याद आता है बॉल बिकॉज बॉल की शेप भी इसी की तरह होती है ना नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है ये है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की शेप किसकी तरह लगती है हमें अपने बॉक्स की तरह नेक्स्ट आपको दे रखा है की ट्राइंगल की शेप ट्राइंगल की शेप आपको किसकी तरह लगती है बेटा कौन, कौन की तरह कौन की तरह लगता है ना वो नेक्स्ट यहाँ आपको पिक्चर दे रखी है स्क्वायर की स्क्वायर की शेप किसकी तरह होती है आइस क्यूब की तरह और जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड है क्वेश्चन थर्ड है क्या करना है ज्वाइन so करके क्या बनानी ये कर्व लाइन बनानी ये आपको होमवर्क है आप अपने आप करोगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स आपको इन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ अ सर्कल कौन सा मैंने भी बताया था ना कौन ज्वाइन करता है बेटा सेंटर को कोई भी पॉइंट जो ज्वाइन करता है सर्कुल क्या बोलते हैं रेडियस ऑल फोर साइड्स ऑफ द डैश आर इक्वल इन लेंथ फोर साइड किसकी इक्वल होती है स्क्वायर की डैश शेप्स हैव लेंथ एंड ब्रीथ ओनली किसके सिर्फ शेप में सिर्फ लेंथ एंड ब्रिथ ब्रीथ होती है तो कौन से होते हैं वो प्लान है फिगर्स होते हैं ना उन्हीं की होती है जैसे लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल ट्राइंगल एंड स्क्वायर नेक्स्ट आपको दे रखा है डैश पिक्चर दे रखिए ये अब ये कैसी लाइन थी बड़ा स्ट्रेट है नहीं है ये क्या है कर्व्ड है कर्व्ड है ना इसमें बैंड है और ये बिल्कुल भी, भी सीधी नहीं है तो पी क्यू इज़ अ कर्व्ड लाइन क्या हुआ ये कर्व लाइन हुआ ना तो ये कर्व लाइन लिखेंगे हम और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करना है सो so बेटा आपके यहाँ प्रैक्टिस सेवन थ्री प्लस आपका चैप्टर सेवन यहाँ कंप्लीट होता है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ओके स्टूडेंट्स बाय फॉर नाउ टेक केयर